आने वाली है पार्टी। मेरी पार्टी की सरकार या बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा। आपके परमिशन से बोल रहा हूं, कल बोलेंगे, आपके परमिशन से बोल रहा हूं कि संत रविदास के नाम से यहां विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में आज कांग्रेस का जमावड़ा रहा जबरदस्त। जनता के साथ प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे। सदर क्षेत्र के कजली वन मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा कि इन बातों से भारतीय जनता पार्टी खेमे में खलबली मच गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग रविदास जी को मानने वाले हैं, पिछड़ा वंचित वर्ग को शिक्षा की जरूरत है, इस वजह से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो सागर में रविदास जी के नाम का एक विश्वविद्यालय बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसको सुनकर भाजपा बेचैन जरूर हो जाएगी। खड़गे जी ने क्या कहा, जरा आप ही सुनिए। मध्य प्रदेश में सरकार बना, वैसा ही कर्नाटक में भी बना ली। कर्नाटक में भी वहां पर 16 MLA को बॉम्बे में रख के उनको मिनिस्टर बनाने का वायदा करके पैसे देके वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में बना, वहां पर कर्नाटक में बना, मणिपुर में बना, हर जगह जहां चुन के नहीं आते वो लोग इस मार्ग से ही जाते हैं और ऊपर से कहते हैं हम जीत के आए। इसीलिए इनको दूर रखना आपको सोचना होगा, और अगर इनको दूर नहीं रखे अपने इस पावर से तो ये फिर बर्बाद करेंगे, और इनका काम ही है लोगों को बर्बाद करना। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो मणिपुर जैसे एक स्टेट में इतना गड़बड़ हो रहा है, वहां पर मोदी साहब जाते ही नहीं, वहां पर मोदी साहब उसके बारे में बोलते नहीं, ना पार्लियामेंट में बोलते, राज्यसभा में बोलते, ना लोकसभा में बोलते। तो उन्होंने मुंह जब खोला कि पार्लियामेंट शुरू होने वाला है 11 बजे, तो 10:30 बजे वो मुंह खोल दिए कि मणिपुर के बारे में हमको सोचना है। रविदास जी को याद कर रहे हो? बस कर मेरी भाई, क्या उनकी कोई स्मृति बनाना, क्या यहाँ पर उनकी कोई मंदिर बनाना, क्या उनके नाम से कोई एक संस्थान बनाना, ये नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद वोट खींचने के लिए, वोट लेने के लिए क्या करना, वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहां भी करके गए। भाइयों, मैं ये वायदा करता हूं, आने वाली ये है पार्टी, मेरी पार्टी की सरकार या बनी तो पहला ये होगा, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय यहां पर खोला जाएगा। आपके परमिशन से बोल रहा हूँ, कल बोलेंगे, मेरे परमिशन, आपके परमिशन से बोल रहा हूँ कि संत रविदास के नाम से यहाँ विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और जो भी अच्छे विचार वालों के स्मरण में, मेमोरी में हम हमेशा कुछ करते आए हैं, चाहे विहार हो, चाहे मंदिर हो,
ये सब कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम करके दिखाएंगे। ये वोटों के लिए नहीं, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, हम जो करते हैं लोगों के हित के लिए करते हैं। किसान कर्ज मुक्त होंगे और LPG गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। LPG गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए हैं और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। दंगे करके वो लोग आज हुकूमत बनाए, यहां पर जो हुकूमत बनी वो नाजायज हुकूमत है, लीगल नहीं है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। लोग उनको चाहकर यहां नहीं बिठाए, हमारे MLA को चोरी करके लेके गए। तो क्योंकि देश है और दुनिया में ऐसा होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, चोर लोग भी होते हैं। इसीलिए वो चोर शब्द आया है डिक्शनरी में। डिक्शनरी में जो चोर शब्द आया है वो भी यानी अच्छों के साथ बुरे लोग भी हैं। तो उनको सब लेकर आज आपने यहां हुकूमत चला रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हो कि हमारे छवि के ऊपर, हमारे उसूलों के ऊपर हमने सरकार बनाए हैं। और उठते ही कांग्रेस को गाली, जब कभी मैं समझता हूं मोदी जी को और यहां पर चौहान को कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना हजम नहीं होता। वो हमेशा बोलते रहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अरे हम कुछ किया है इसलिए तो तुम प्रधानमंत्री बने, नहीं तो नहीं बनते थे। हमने संविधान बचा के रखा, लोकतंत्र को बचा के रखा, इसीलिए तो आप उस कुर्सी पे बैठे। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ AC लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।